देखें काफी सुस्त पड़ा हुआ है ये दोस्तों, बस अल्लाह करे दुआ करे आप लोग भी के। देखें जैसे ही धूप आई है इसने फौरन लेना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं उठा हूँ तो मुझे बाबा ने बोला कि तुम्हारे जो एक गंजा मुर्गा जो है वो सही नहीं लग रहा और बीमार लग रहा है। तो बाबा बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं, उन्होंने देखा होगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, ये देखें ये जो हमारा मुर्गा है ये कहाँ ऐसे इतनी आराम से हाथ रखने देता है, पीली टांग वाला। पहले वो बीमार पड़ा था लेकिन वो इतना नहीं पड़ा, वो सेटिंग में आ गया फौरन। पर ये जो है ये हल्का लग रहा है, टूट जाएगा ये, हटाओ चलो। तो खैर इनको मैं सारों को दाना पानी करके इसको जो है दोस्तों, अगर हल्का फुल्का ये बीमार है, कल मैं दवा लाया था तो इन सारों को दवा दे देता हूँ, ताकि ये सबको ही दे देता हूँ कि ये हो किसी में हल्की फुल्की सी भी हो तो वो सेट हो जाए। तो चलें खाना पीना डाल के इनको दवाई देते हैं और इसको जो है मेरे मुर्गे को इसको लेके चलते हैं छत पे और थोड़ी बहुत धूप में रखता हूँ कि ये जल्द सेट हो जाए। मेरा जितना सेटअप है मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह वापसी से ख़राब हो जाए। दोस्तों पहले भी बड़े बहुत ज़्यादा, मतलब तीन के तीन पैर हमारे बड़े मुर्गों के वो ऐसे ही मर गए थे। दोस्तों काले खान को हाथ से पकड़ के खिलाना पड़ता है, इनके नखरे बहुत हैं और आप खुद देख सकते हो कि ये कैसे खाता है, वरना अंदर रख दूंगा ना तो मादी खा जाएगी, ये सिर्फ शक्ल देखता रहेगा। और एक और चीज़, ये हमारे साथ आज खुल गए तो बड़ा जिद कर रहा था तो मैंने इसको कंधे भी बैठा लिया, मैंने आ जाओ अभी कंधे पर बैठ के। अब ये मेरे को देखें छेड़छाड़े कर रहा है खुद, ये मुर्गे वगैरह से इनसे पिटाई खाएगा फिर चले जाएगा खुद चुपचाप अंदर अपने पिंजरे में। ये दोस्तों कल इसके जो आपने देखा था मादी के, हमने नाक पे क्लिप लगाया था, थोड़ी सी मुश्किल तो इसको सहनी पड़ेगी पर ये होगा दोस्तों, मजबूरन लगाया है, जान पूछ के नहीं लगाया। वो देखें काले खान की पूरी सामने की टांग देखें पूरी गंजी कर दी है इसने, और इसी वजह से हमने क्लिप लगाया है और कोई मजबूरी नहीं थी इसके अलावा, तो इस वजह से क्लिप लगा दिया है। खा ये पा रही है सुकून से, ये देखें कल इसको थोड़ी सी मुसीबत थी पर आज ये समझ गई है कि मैं खा वा सकती हूँ, सेट रहेगा। इस क्लिप से ये होता है कि इनका मुंह हल्का सा खुला रहता है और जब ये बाल पकड़ेगी ना उसके तो ये खींच नहीं पाएगी क्योंकि इसका मुँह जो है वो खुला रहेगा, तो इस वजह से ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मिट्टू मारेगा वो देखो, वो भी इसको देख के परेशान हो गया काला खान, बोला ये क्या चीज़ है। जब भाई इनको भी डालूँ, हमारे जो नए हीरा आए इनको भी डाल दूँ दोस्तों, और ये सारे काम करने के बाद मैं उसको ले जाऊँगा छत पे और थोड़ी धूप सिकवाऊँ क्योंकि वाकई में वो थोड़ा नहीं काफ़ी बीमार लग रहा है। वो देखें यहाँ से ही दिख रहा है वो खड़ा हुआ, सुस्त हो रहा है बहुत ज़्यादा, आँखें बंद, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, फिक्र हो रही है। ये बस पहले वाला भी बीमार हुआ था ना, मैं पूरी सुन नहीं पा रहा था कि इसको कुछ होना जाए, ये तो ज़्यादा लग रहा है तो इसको छत पे ले जाता हूँ फौरन। चलो अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ, ज़्यादा देर नहीं। हाँ चलो तो दोस्तों अब इसको लेके चलते हैं हम छत पे, इस पिंजरे में लेके जा रहा हूँ क्योंकि उस वाली में तो वो है, तो आ जाओ भाई। अगर आ रहा है थोड़ा है, कभी गया नहीं है ऐसे। दोस्तों मैं इसे धूप में ला रहा था और यहाँ धूप ही गाया था, देखें फौरन बादल आ गए, वो भी इतने ज़्यादा बादल हैं। चले रख देता हूँ, अभी हटेगा ना थोड़ा सा धूप आई जाएगी, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ बीच में ताकि धूप डायरेक्ट आए इसके ऊपर, थोड़ी सी धूप पड़ेगी सेट हो जाएगा। देखें काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है ये दोस्तों, बस अल्लाह करे दुआ करें आप लोग भी के जो हमारा गंजे मुर्गे हैं ना दोनों बच्चे ये सेट रहे भाई, बहुत मेहनत है दोस्तों इन पर बहुत ज़्यादा। जब तक यहाँ पे दोस्तों मैं उनको दाना पानी कर दूँ सारों को, तब तो इन सारों का दाना पानी कर दिया है, अब उसको थोड़ा मैं देखता हूँ यार, मुझे बहुत उसकी फिक्र हो रही है। देखें अभी भी किस तरीके से बैठा हुआ है, तो काफ़ी सेट हुआ जैसे ही खोला, ये है कि खोला है सेटिंग में है नहीं है, बीमारी है काफ़ी, लेकिन खोला है ना तो वहाँ मुर्गे को देख के फ़ौरन उसके पास भाग के जाने की कर रहा है, मुझे पता है लड़ेगा सीधा।
तो चेक करता हूँ मैं इसको अभी, अगर ये लड़ता है तो ठीक है, शुक्र है ये उठा तो सही, चला तो सही, भागा तो सही, थोड़ी हिम्मत आई मेरे में भी देख के इसको कि चल रहा है। यहाँ पहुँच गए, मैं इसको पकड़ा था तो ये यहाँ पहुँच गए भाई साहब। चेक करता हूँ ये इससे कुछ शायद हरकत करे। इधर आओ दोनों, हाँ आगे जाओ, मुझे देखना है कुछ करे थोड़ी बहुत हरकत दोस्तों। हाँ तुम फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो दोस्तों मैंने इसका नाम भी सोच लिया आज की वीडियो में, इसका नाम हम रख रहे हैं ड्रैगन, क्योंकि देखें उसी की तरह इसका शेप है, ये देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़। इन दोनों हमने नाम रख दिया दोनों का ड्रैगन ब्रदर्स, सही है ना, ड्रैगन ब्रदर अच्छा नाम है, तो हमारे आज से गंजे मुर्गे ड्रैगन ब्रदर्स हो गए। और ये जो है ये ड्रैगन, इसका नाम ड्रैगन वन रख देते हैं, ड्रैगन टू नहीं बल्कि एक काम करते हैं दोस्तों, इसकी येलो टांगे हैं तो इसको हम येलो ड्रैगन कर देते हैं, और उसकी जो है वाइट टांगे हैं तो वो वाइट ड्रैगन, येलो ड्रैगन वाइट ड्रैगन, ये बेहतरीन नाम है। देखें जैसी धूप आई है इसने फौरन लेना शुरू कर दिया, और धूप लेगा तो इंशाल्लाह सेटिंग में आ जाएगा। बाकी इसको नीचे लेके चल के दोस्तों हमने अभी दवा भी देनी है। दोस्तों इसको बंद कर दिया, इसका मैंने पानी भी फेंक दिया अंदर का यहाँ पे, क्योंकि धूप से लाया हूँ ना, गर्मी इतनी तपिश इतनी है, तो ये पानी डायरेक्ट आते ही से नहीं देना था, अभी से हम डायरेक्ट दवाई वाला पानी देंगे। मैं ये वाला साशा दूंगा इनको, क्योंकि वो जो है वो विटामिन वगैरह है, B3 वगैरह, तो मिनरल्स वगैरह विटामिन के लिए वाला, तो वो अभी नहीं दूंगा मैं फ़िलहाल ये दे रहा हूँ, टाइलोफोर्सिन नाम है इसका, 20 mg टाइलोफोर्सिन, किसी भी पोल्ट्री फार्मी से तो वहाँ पे आप लोग मालूम कर लिएगा, आराम से मिल जाएगा। इस पर वो भी बना हुआ है देखें, तोतों और मुर्गों के लिए, तो चलें बना के देते हैं, कैसे बना के देना है वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सामान की चीज़ें सारी ले आया हूँ। दोस्तों मिलाने का तरीका बता दूँ कि इसका ना हाफ टी स्पून जो भी होता है हाफ मिलाना है चम्मच का, तो बड़ा चम्मच जो होता है उसका तकरीबन साइज इतना होता है, तो ये हम इतना चम्मच मिला देंगे कि थोड़ा बहुत इसमें कम हो तो हो जाएगा हल। तो पूरे का पूरा इस लीटर की बोतल में पानी भरना है, और इसके अंदर हमने ये मिला देना है चम्मच से आधा चम्मच। तो मैंने इतना ले लिया ही है, दिख रहा हो आप लोगों को, अब इसको डालते हैं पानी में और घोल देते हैं, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ऐसे लग रहा दोस्तों 7-Up की बोतल बना दी है मैंने, जहाँ वैसे ही हिला रहा हूँ, तो कह चले दोस्तों अब इसको सबके पिंजरों में डाल देते हैं। ये लो भाई जो बीमार लगे हैं, इन्हें कैसे डालूं, एक हमारे पास नहीं है, मैं लेकर आऊँगा ताकि इनके पास भी ये लगा दूं और यहाँ पे फिट कर दूंगा, ताकि काला खान और ये भी आराम से उसी में से पानी पी लें, पानी का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसमें इसका रंग वाजे हुआ हल्का फुल्का पीला पीला रंग है, पीले कलर का ही पाउडर था, और जितना मैंने बताया आप लोगों को उतना ही डालना है आप लोगों ने भी, ये मैं पहले ही बता दूँ, ना ज़्यादा ना कम, हाफ टी स्पून में डालना है और 1 लीटर पानी में। अरे काले खान ने पी लिया, तुम भी पी लो। तो नहीं दोस्तों इसको खोल दिया है, और हमारा जो येलो ड्रैगन है वो काफ़ी सेटिंग में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि सेटिंग में आ जाए और सेट हो जाए दोस्तों, बस ये सेट हो जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा कि ये जो है ना हमारा बच्चा ये सेट है वो भी, और वैसे वो सारे परिंदे ही सेट रहे हैं अल्लाह करे, क्योंकि बीमारी एक में आती है दोस्तों सारे चले जाते हैं लाइन से। खैर तो दोस्तों आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो अगर आप लोग आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।